ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा बदनावर तहसील क्षेत्र के 136 देवल रोड के निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। निर्माण कार्य के दौरान लागत से अधिक राशि का आहरण करने एवं घटिया निर्माण करने की शिकायत के उपरांत भी अब तक कोई कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सुनील सांकला, जिला पंचायत सदस्य अशोक दावर एवं प्रतिनिधि निर्देश सोनगरा द्वारा 4 दिन पूर्व SDM बदनावर को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि 4 दिन में RES विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस के द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। इसी के तहत आज बदनावर में गांधी प्रतिमा के समक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव सुनील सांकला, जिला पंचायत सदस्य अशोक डावर, प्रतिनिधि निर्देश सोनगरा सहित कई कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। देखिए, बदनावर विधानसभा में करोड़ों का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, RES विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और हम भ्रष्टाचार में भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य, सभापति और समस्त कांग्रेस के साथीगण इस धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि जब तक RES विभाग द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया और उन अधिकारियों को सस्पेंड कर और जांच नहीं की गई और जांच संपूर्ण जब तक नहीं होती है तब तक हम अनशन करेंगे और अनशन पर बैठेंगे। आपका नाम? सुनील सांकला, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव, नागपुर। बदनावर जनपद पंचायत के RES विभाग द्वारा 136 ग्रेवल रोड जो थे 2020 में स्वीकृत हुए गए थे, उसमें विभाग द्वारा काम किए बिना ही सारी राशि आहरण कर ली है। करीब 90% राशि उसमें बाहर हो चुकी है और जमीन पे रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, रपट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पे जब हम बार बार इस प्रकार की मांग लिखित में की गई तो भी अनाकानी करते रहे और RES SDO का कहना है कि मंत्री जी मेरे खास है और खान साहब मेरे बॉस है, इस प्रकार के शब्द RES SDO के रहे और उनका बिल्कुल बेखौफ होकर वो भ्रष्टाचार कर रहे। कब तक ये अनशन जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। मेरे साथी निर्देश सोनगरा और एक दिग्विजय सिंह जी भूख हड़ताल पर है और तमाम साथी हमारे समर्थन में यहाँ पर बैठे। आपका नाम? अशोक डावर, जिला पंचायत सभापति, कृषि समिति धार। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।